ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं अश्विनी कुमार जी से और तमाम मुद्दों पर उनकी बेबाक राय हम ले चुके हैं, लेकिन अब एक खास सवाल। अश्विनी जी, अब जो सवाल मेरे दिमाग में आता है कि एक पत्रकार के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक राजनीतिक के तौर पर आप इस वक्त दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किस काम में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं? क्या एक पत्रकार बनकर सबसे सहज, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर सबसे सहज, या फिर अब जो राजनीति आप कर रहे हैं उसमें आपको सहजता दिखाई पड़ती है? मुझे तो हर काम में ही सहजता नजर आती है, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो अगर सच्चाई से लिखे और देश के प्रति निष्ठावान हो तो उसकी कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। और एक समाज सेवक के रूप में अगर कोई आप काम करें, जैसे कि हम कोशिश करते हैं बुजुर्गों का को उनको सहायता देते हैं, तो वो भी एक, जब हम देते हैं उनकी आंखों में चमक आती है, उनको हम जब हम हमारी पत्नी भी साथ हमारे होती हैं, उनको हम हर महीने पैसे भी देते हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है, उनको सर्दियों में कपड़े भी दे, मतलब एक हमारा क्लब बनाया हुआ है जिसमें बुजुर्गों की मदद करते हैं। तो एक तो उनकी आंखों में जब मैं चमक देखता हूँ, जब उनको हम करते हैं, किसी को हियरिंग एड देते हैं किसी, तो वो बहुत दिल को शांति मिलती है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, पॉलिटिक्स एक दलदल है। मैं 1.5 साल ही हुआ मुझे भी MP बने हुए, 2 साल, एक बहुत गंदी दलदल है, लेकिन इस दलदल में भी आपको कमल के रूप में अगर आप खिलें और कोशिश करें कि आप चाहे थोड़ा सा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक एक MP ये फैसला कर ले कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा और वो अपनी अपने संसदीय क्षेत्र में या अपने विधानसभा क्षेत्र में वो पूरा कार्य करेगा, लोगों की मदद करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनके दुख में उनके साथ खड़ा होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है। चलिए बात करते हैं, किरण जी की बात कर देते हैं। किरण जी भी लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं, उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है। कहा जा रहा था कि आप चाह रहे थे कि वो भी चुनाव लड़ें, वो भी राजनीति में आए, क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि किरण जी भी राजनीति में आए? नहीं, ये आपने गलत सुना। किरण जी इसमें 2 NGO चला रही हैं और दोनों NGO ही उनके बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, उन्होंने बुजुर्गों को, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम, मेरा भी कॉन्सेप्ट है उनके साथ, हम दोनों, पहले तो मैं आपको बता दूं हम दोनों एक हैं, जो भी काम करते हैं हम दोनों सोच समझ के इकट्ठे करते हैं। और मेरी इस जीत में भी जो हुई है, किरण जी, मैं ये कहने, मुझे कोई नहीं कहने के लिए फर्क कि अगर मैं जीता हूँ तो उसका 80% श्रेय जो है ना वो मेरी पत्नी को जाता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। नहीं, उन्होंने, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लगन के साथ एक पति, पतिव्रता नारी के नाते उन्होंने जिस तरह से किया, और उन्होंने मुझे कहा, कह रहे अब तुम्हें शौक है ना पॉलिटिक्स का, तो तुम्हें देखो तुम जीतोगे, और बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन वो सामाजिक कार्य जो कर रही हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने जो बुजुर्गों को किया है, क्लब बनाया, उन्होंने कहा कि हम दोनों ही नहीं चाहते कि वो जो ओल्ड होम होते हैं, ओल्ड होम में क्या होता है जी, वहां पर हम गए अमेरिका में, वहां ओल्ड होम देखने गए, सारी दुनिया में ओल्ड होम बन रहे हैं आजकल, बच्चे करते क्या है, बच्चे जो माँ बाप उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाते हैं वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को घर से धक्का दे देते हैं। अच्छा, ओल्ड होम में, कुछ ओल्ड होम जिनके पास पैसा होता है ओल्ड होम में डाल देते हैं। अब ओल्ड होम में हम गए, देखा बैठे हुए ऐसे लोग, बुजुर्ग बेचारे 90-90 साल के, नर्स आ रही है अगर मुंह साफ कर रही है कोई उनको, मतलब तो, और ये बच्चे इतने गंदे हैं आजकल के कि वो मॉम्स डे बना दिया है, एक डैड्स डे बना दिया है, उनको फूलों का गुलदस्ता भेज देते हैं और काम हो गया। और जिन लोगों ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, एक मान सारी सारी रात जाग करके बच्चे को बड़ा करती है, वही बच्चे आज ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं तुम अब तुम्हारी लाइफ का 60 साल के बाद अब एंजॉय करो लाइफ को, आपको कोई जरूरत नहीं है बच्चों की परवाह करने की। जिनके पास बच्चे, जिन जिनके बच्चों ने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया, उनको हमने अडॉप्ट करवाया लोगों से जो पैसे वाले हैं, उनको पैसे मिलते हैं हर महीने ताकि तंगी ना हो। उसके बाद हम उनको रिक्रिएशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं,
हमने बुजुर्गों को उनका शौक था, हमने उनको रितु बेरी के कपड़े लेकर दिलवा करके रैंप के ऊपर चला दिया था। हमने कहा ये भी शौक पूरा करो। एक बार हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमने 5 स्टार खाना खाना है, हमने 5 स्टार होटल से केटरिंग करा करके यहाँ उनको सबको 5 स्टार खाना खिलाया। मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं, उनसे उनको खुशी मिलती है, सुख मिलता है देखकर आपको उनको। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम भी कुछ समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। और वहां पर क्या है, बाहरले पश्चिम में देखो बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा एक अपने कजन से जो मेरे साथ गया था, मैंने कहा व्हाट इज दिस, की क्या हो रहा है? कहते कुछ नहीं अंकल, दे आर सिटिंग हेयर एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। तो ये क्या जिंदगी? नहीं, जब तक तुम अंत नहीं होता तब तक अपनी लाइफ को हम कहते हैं एंजॉय करो। मतलब किरण जी उस तरफ खुश है? किरण जी को ये है कि वो उनके लिए उनकी जिंदगी जो है ना वो बुजुर्गों के लिए है और उन गरीब औरतों के लिए है जो कि जिनको कि वो खड़ा करना चाहती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो और इसलिए इसलिए मैं आपको ये बताऊं, वो कहती हैं मुझे पॉलिटिक्स से हेट है। वो तो कहती है तुम भी मुझे, वो कई बार डिस्करेज भी करती हैं कि ये तुम कहाँ फंस गए, अच्छे भले तुम लेखक थे, अच्छे लेखक हो, अब टाइम कम मिलता है ना, तो वो लेख हो सकता है लेखों की क्वालिटी इतनी अच्छी ना बन सकती हो, या अखबार को सारा देखना होता है, कई बार नहीं नजर थी जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करता हूँ कि पूरा समय दूँ, लेकिन अब समय तो पॉलिटिक्स को देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, एक बहुत अहम बात है जो शायद थोड़े कम लोग जानते हों, तमाम जो लोग आप पर नजर रखते हैं वो जरूर जानते होंगे, क्रिकेट की पिच से आपने शुरुआत की थी, उसके बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, उसके बाद राजनीति के मैदान में भी चौके छक्के आप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन कभी वो दौर आपको याद आता है जब अश्विनी मिन्ना की घूमती हुई गेंदों के सामने सुनील गावस्कर भी बेबस हो जाया करते थे? मैं वैसे ये जो आते हैं IPL ये मैं देखता ही नहीं, ना ही मैं वो T20 मैचेस के में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है क्योंकि मैं अब तब मैं 12, 13, 14 साल का था जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू करी। और मैं जैसा कि मैं बात कर रहा था पहले भी आपसे कि ये जो राइट आर्म, आई वॉज राइट आर्म लेग स्पिन गूगली बॉलर ऑर्थोडॉक्स, ये एक नेचुरल चीज है, किसी को मिलती है, जैसे सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, जैसे डॉन ब्रेडमैन नेचुरल क्रिकेट उनके अंदर थी, खून में थी, इसी तरह ये एक एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को गॉड गिफ्ट मिलती है कि वो राइट आर्म लेग स्पिन गूगली बॉलर होता है। उसके बाद बहुत सी वैरायटीज होती हैं जिससे वो बैट्समैन को आउट कर सकता है, और अब तक बहुत कम हुए हैं ऐसे। तो मैं छोटी उम्र में ही, छोटा था तो शुरू किया मैंने स्कूल में खेलना, फिर स्कूल से कॉलेज में आए, कॉलेज से फिर हम खेलते खेलते यूनिवर्सिटीज में खेले, कमांड यूनिवर्सिटी में खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेली, फिर 2 बार ईरानी ट्रॉफी खेली, फिर मैं इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेला, श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेला, कुछ इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, तो एक स्थान पे पहुंच गया मैं। तो जब मैं वहां पहुंच गया तो मुझे लगा कि अब मैं टेस्ट खेलूंगा, लेकिन उस समय की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में बहुत फर्क है। आज की क्रिकेट तो पैसे के लिए खेली जाती है, उस समय पैसे के लिए नहीं खेली जाती, उस समय क्रिकेट खेलने के लिए खेली जाती थी, तो हम वो करते थे। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी कि हर जगह ही इस देश के अंदर पॉलिटिक्स है, हम डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिक्स तो हर चीज जगह में घुसा हुआ है, तो क्रिकेट में भी घुसा हुआ है, आज भी घुसा हुआ है, उस समय भी घुसा हुआ था। आज भी आप देखते हो BCCI के प्रेसिडेंट के लिए कितनी लड़ाई होती है, और उस समय भी होती थी। तो बस वो नाम नहीं लेना मैं चाहता, पर कुछ लोगों की आपस की दुश्मनी के बीच में मैं फंस गया, और फिर मुझे लगा कि ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, इससे आगे नहीं और जाने देंगे, तो फिर मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली जो फर्स्ट क्लास विकेट थी वो नागपुर में सुनील गावस्कर की थी जब वो इस वेस्ट इंडीज में जीत के आए थे, और मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को भी आउट किया, उसे उनसे मार भी खाई हैं, छक्के भी मारे उन्होंने मुझे, लेकिन वो एक दौर था, बचपन था कि 12 13 14 साल तक 15 साल तक बस बचपन था वो एक।
लेकिन बड़ा अच्छा था, और उस टाइम पे आप एकदम से ऊपर पहुंच जाओ टॉप पे, तो और भी अच्छा लगता है क्रिकेट बेहद खेलने में। सुनहरी यादें हैं, एक क्रिकेटर नहीं लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपने जो ऊंचाइयां छुई उसको लोग सलाम करते हैं। अब राजनीतिक जीवन में किन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और संसदीय जो कार्यकाल आपका रहा इस कार्यकाल से कितना संतुष्ट, और राजनीति में क्या लक्ष्य? अभी तो 2 साल ही हुए हैं, 3 साल बाकी हैं, तो अभी फिल्म अभी बाकी है, तो एंड होगा तो पता चलेगा क्या है। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को मिलता हूँ। बाकी जहाँ तक ऊपर जा या नीचे जाने की बात है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं तो मुझे जो टिकट भी मिली, बैठे बैठे घर बैठे ही मतलब उन्होंने मुझे भेज दिया, जाओ भर दो। तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एमपी बन, एक झटके में 1 महीने के अंदर ही मैं एमपी बन जाऊंगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जो मेरे जो मैंने कर्म अब इस जन्म में किए या पिछले जन्म में किए होंगे, उनका फल तो जरूर मिलेगा। अगर अच्छे किए होंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर नहीं अच्छे किए होंगे। एक लंबा जीवन रहा, चाहे क्रिकेटर के तौर की बात करें, चाहे पत्रकार के तौर की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप उतर चुके हैं, सामाजिक कार्यों की भी बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आज आप क्या मानते हैं? मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है ना, वो मेरा और मेरी पत्नी का रिलेशनशिप। आज हमारी शादी को 27 साल हो गए हैं, तो इन 27 सालों में मेरा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो मेरी पत्नी है, मेरे सबसे बड़ा क्रिटिक जो है वो भी मेरी पत्नी है, और हमारा जो आपस का संबंध है, यही मैं अब समझता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मेरे बच्चे, मेरे 3 लड़के हैं, वो तीनों ही बहुत ओबीडियंट हैं और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सुख से बड़ा सुख पैसा भी नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। सर, आपने हमसे तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत की, एमएच से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।